Mamzi mamzi mam bing bing bo tum chaste na se tar ki badde chaati se mamzi mamzi mam bing bing bo. हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड जोड़ो कम्युनिटी की न्यूज है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड ऑल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ बढ़ते हम पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं बीस्ट वर्शिप के बारे में। तो क्या बीस्ट वर्शिप गेमिंग से बोर हो चुके हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो ऑल्सो इसी के रिलेटेड बताते हुए बीस्ट वर्शिप ने एक ट्वीट किया आज एंड वो कहते हैं, सिंस आई केम बैक फ्रॉम जापान आई वाजंट दैट इंटरेस्टेड इन गेमिंग एनीमोर, यूजुअली रिकॉर्डेड समथिंग इन अ वीक और टू, थैंक यू रेजिडेंट एविल 4 फॉर ब्रिंगिंग द एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट बैक। सो या बीस्ट वर्शिप यही कहना चाहते हैं कि जो वो जापान से अपनी ट्रिप पूरी कर आए थे इंडिया में, तो उसके बाद सर उनके जो गेमिंग के इंटरेस्ट थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी यार, अगर उसको कंपेयर करें पहले के मुकाबले। बट जब से रेजिडेंट एविल 4 रीमेक आया है तब सर उनकी एक्साइटमेंट जो है वो फिर से वापस आ चुकी है। ओके, सो वर्तमान में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं बिक्सू के बारे में। तो कल बिक्सू ने अपने थर्ड वाले चैनल के ऊपर में एक न्यू वीडियो को अपलोड किया, जो वीडियो यार एक हॉरर टाइप ऑफ वीडियो थी, लाइक वो हॉन्टेड नंबर्स पर कॉल कर रहे थे, वो भी रात के 3 बजे। एंड ऑल्सो उसी वीडियो के यार लास्ट वाले पार्ट में वो काफी ज्यादा लिटरली डर जाते हैं। बाकी क्या कुछ हुआ था देखो तुम लोगों वाली क्लिप को। ओके, मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पे, मैंने लास्ट नंबर है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ, प्लीज। ओके हियर वी गो। डूड ये तो कॉलिंग हो रहा था, व्हाट? ये क्या साउंड था? तुमने सुना क्या जी? भाई मैं ये नंबर हटा रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे से हो गया, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं कसम से। ओके गाइस, आई गेस जोक्स अपार्ट बहुत हो गया है, मेरी सच्ची में फट रखी है, प्लीज़ तुम ये सब मत ट्राई करना, प्लीज़ मत ट्राई करना। सो या बढ़ते बढ़े नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो अभी 2 दिन पहले ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड ऑल्सो उसी वाले लाइव स्ट्रीम में कोई ट्रिगर्ड इंसान से BTS वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान कह देता है, लाइक टाइप ऑफ ये कि BTS वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान या टाइप ऑफ कंपैरिजन कर देता है उसी स्ट्रीम पे। एंड इसी चीज पे ट्रिगर्ड इंसान काफी ज्यादा भड़क जाते हैं इसी चीज पे, वो क्या कुछ कहते हैं देखो तुम लोग। मेरे को ये कंपैरिजन नहीं समझ आता कि ये कंपैरिजन कहां से आता है, XYZ वर्सेस ये, मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना क्यों जरूरी हो जाता है? ऐसा नॉर्मली भी तो हार्मनी में भी तो जी सकते हैं ना, दो यूट्यूबर्स हो गए मेरे भाई के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं लोग, मेरे को भाई है वो मेरा, मतलब हर चीज में कंपैरिजन जरूरी नहीं होता ना, पीपल कैन लिव इन हार्मनी। शाहरुख और विराट कोहली खुशी खुशी जी रहे हैं अपनी जिंदगी, उनके बीच में कंपैरिजन करके झगड़े करने का क्या पॉइंट है, वो हार्मनी में जी सकते हैं। विराट और रोहित शर्मा साथ साथ एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं, वो खुशी खुशी जी रहे हैं, उनके फैंस को आपस में लड़के उनके बीच में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक फैंस को ये चीज समझनी चाहिए। वैसे ही ये BTS और ये ट्रिगर्ड आर्मी वाला जो इसने मेरे को क्वेश्चन पूछा, ये कहां से आ रहा है भाई, प्लीज। पहली बात तो BTS आर्मी जो है वैसी, मेरे को कोई ट्रिगर्ड आर्मी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं है भाई, अपनी उतनी सोच भी नहीं है और उतना हमें करना भी नहीं है ट्रिगर्ड आर्मी, नहीं। और कहीं हमने वो आर्मी को ले जाके कहीं किसी से जंग नहीं लड़नी कुछ भी यार। ओके, सो वर्तमान में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो यार फुकरा इंसान तुम्हें पता होगा काफी सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, लाइक टाइप ऑफ चैलेंजेस वीडियोस, जिसमें वो यार वो जीतने वाले को पैसे देते हैं विनर को, एंड काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो पैसे नहीं देते, लाइक टाइप ऑफ वो स्क्रिप्टेड होता है ऐसा चीजें। तो इसी चीज के ऊपर में यार फुकरा इंसान अपनी रीसेंट वाली वीडियो में रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने तुम लोग उन्हीं से सुन लो। 14-15 लाख रुपए की ये रील बनाई है भाई, हैट्स ऑफ टू मिस्टर बीस्ट, मतलब मैं सारी बातें मजाक कर रहा हूँ, ये हमारे प्रैंक यूट्यूबर
डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली आई न्यू अ यूट्यूबर जिसने मेरे ट्रेनर को एक कॉम्पिटिशन में पार्ट करवाया और जब वो कॉम्पिटिशन जीत गया तो 2 लाख रुपए देने थे, 50,000 में टपका दिया। भाई साहब तुम्हारे को जेन्युइन बता दूं, अभी हाइड एंड सीक इवेंट हुआ था ना, उसमें हमने 1 लाख रुपए दिए और जय राणा जीत गए, उसको लो आगे पूछे सच में पैसे दिए। अबे भाई मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, 1-1 रुपया मैंने दिया। जट प्रभजोत को कॉल मिला के पूछ लो कि 10 लाख मिले नहीं मिले, जय राणा से पूछ लो, जासूस किंग से पूछ लो, रैंडम स्ट्रेंजर से पूछ लो, तो भाई अपना तो फंड है, हम 1 लाख दिखा के 10,000 नहीं देते। अगर 1 लाख दिखाएंगे तो 1 लाख देंगे, 10 लाख देंगे तो 10 लाख देंगे, और ऐसा है हम देते हैं, और वैसे ही मिस्टर बीस भी देता है, बाकी मिस्टर बीस की तो गवाही मिस्टर बीस ही देगा, मैंने तो अपनी दे दी। ओके सबरतुमस की तरफ बात करते हैं 8 एरर के बारे में। तो 8 एरर को तुम लोग जानते हो बहुत ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट क्रिएटर बने हैं, एंड ऑल्सो ये अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड आज एक हिंट देते हैं। तो इन्होंने एक कमेंट पोस्ट किया, एंड वो कहते हैं, हे एवरीवन, something big is coming soon, the source is going down forever, I was laughing the whole time cause I was hiding my biggest weapon, now you are forcing me to use it, so why not meri jaan, baki next video soon guys, it's gonna be epic। तो अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कुछ भी हिंट्स वगैरह मिला या फिर अगर तुम्हें कुछ पता चला कि किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यहाँ पर तो बड़े एक्स न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं क्रिस टायसन के बारे में। तो क्रिस टायसन को तो यार तुम लोग जानते होगे, बट अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि इनको तुमने देखा होगा मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में, एंड मैंने तुम्हें फोटोज भी दिखा दिया तो तुम पहचान गए होगे कि ये कौन है। तो अभी के टाइम पर क्रिस टायसन को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। तो भी रिसेंटली क्रिस टायसन ने यार रिवील किया कि वो एक ट्रांसजेंडर है, एंड इस चीज के लिए उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, बिकॉज जब भी वो अपने सोशल मीडिया पे कोई यार फोटो को अपलोड करते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई तू पहले मस्कुलर दिखा करता था बट अभी ऐसा बनने के बाद तू काफी ज्यादा पतला हो गया है, तुम समझ गए यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड इनको काफी सारे लोग जो है वो पोक भी करते रहते हैं इंटरनेट पे कि तू ट्रांसजेंडर है ऐसा ऐसा करके। तो ऑल्सो इस पूरे यार हेट के सीन को लेकर ब्रीवन ने अपने चैनल के ऊपर में काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें वो इसी यार चीज के बारे में बात करते हैं। कि अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मैं तुम्हें छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, देखो तुम लोग। So I'm guessing most of you guys know who Chris Tyson is, like the Chris from Mr. Beast. I don't think I need to explain who this is or like what this guy does. But you guys are probably all asking, why is this guy in the news? What's going on with Chris Tyson? Well, actually as of recently, people believe that Chris Tyson is now coming out as trans, also known as transgender. Because very late yesterday, Chris actually quote tweeted somebody who had said, "Bro, what the fuck happened?" And they included 2 pictures of Chris Tyson, with one of those photos being an older picture and one of them being a slightly newer picture. Chris goes on to say HRT and it's only been 2 months. And below this quote retweet here, he includes a tweet that people might have missed. This is essentially a tweet from his other account on Twitter, and this tweet says, "Informed consent HRT saved my life and many others' lives. The hurdles GNC people have to jump through to get life-saving gender-affirming healthcare in a first-world country is wild to me. Just let people make informed decisions about their own bodies." Now after this has came out, a lot of people are hating on Chris Tyson for this, saying things like, "You were more enjoyable before," and "Life isn't about you anymore, you have children, what you're doing is wrong and confusing your children, grow up and be a dad." We even have Brazzo here thinking he's all the shit and all that, saying things like, "Very sad, wokeness has consumed his mind, we can only pray for him." Now I'm gonna be totally honest with you guys here, I think it's pretty messed up that people are hating on them for this, and also the fact that they're gonna bring like Chris's children into this and claim that they are being a bad parent because they're doing this. And also इसी वीडियो के यार पिन कमेंट में ब्रीवन ने अपना ही एक ओपिनियन देते हुए एक कमेंट को पिन किया, एंड वो कहते हैं, "I never said you have to support Chris Tyson, but I just don't believe that he deserves this hate. You are allowed to have your own opinions." बाकी तुम्हारा क्या कुछ करें यार इस चीज के बारे में, मेरे को अपने ओपिनियंस तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सुवर्तु में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं देसी गेमर्स के बारे में। तो तुम्हें पता होगा यार अभी जो IPL चल रहा है उसमें RCB अपना पहला वाला मैच काफी अच्छे तरीके से जीता, बट अपना सेकंड वाला मैच यार कल जो था वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से हार गया। तो इसी चीज के ऊपर में यार देसी गेमर्स रिएक्ट करते हैं। देसी गेमर्स ने इसी के रिलेटेड एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं, "अपनी फेवरेट टीम को टीवी में हारता हुआ देख बुरा लगता है, तो कभी वही सेम चीज स्टेडियम में फील करो, कसम से रो दोगे। एंड कल का मैच भाई देसी गेमर्स स्टेडियम में देखने गए थे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, एंड RCB पे भाई फिर से पनौती लग गई वही पहले की तरह। ओके सुवर्तु में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एंड्रू बी के बारे में। तो तुमने देखा होगा यार बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि ट्राई नॉट टू लाफ का वीडियोस बनाते हैं या फिर मीम रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं, वो जब भी अपने वीडियोस में हंसते हैं तो वो अपने ऑडियंस को कुछ अमाउंट ऑफ पैसे देते हैं। तो क्या आपसे एंड्रू बी अपने जो भी मीम रिएक्शन की वीडियोस आएगी उसमें ऑडियंस को 10,000 रुपए देंगे जब भी वो हंसेंगे?
तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब ऑल्सो इसी के रिलेटेड बात करते हुए अपने एंड्रू भी अपने रिसेंट वाली वीडियो में कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा इसके रिलेटेड, तुम लोग उन्हीं से सुन लो। एंड आज हम लोग करने वाले हैं 1,10,000 रुपए। तुम लोग विश्वास करोगे? मैं खुद नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग नहीं करने वाले हैं। भाई तुम लोग मजाक समझ रहे हो क्या? 1,10,000 रुपए? मैं रोड पे आ जाऊंगा कल को। इसीलिए अपन अपनी वीडियो नॉर्मल रखते हैं, ठीक है? बस हंसते जाओ, जितना हंस रहे उतना हंसो, पैसों की चिंता नहीं करनी। तो या ये जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है, कोई मैं ऐसा पैसे नहीं देने वाला हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मेरे 2-3 बच्चे हैं, एक बीवी है, उसको खिलाना पड़ता है, वो शाम को आके पैसे मांगती है। ओके मजाक कर रहा हूं। ओके सुपर, तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं रचित्रो के बारे में। तो रचित्रो अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड एक अपडेट देते हैं कि उनकी न्यू वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है, एंड इसी के रिलेटेड एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, यो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मेकिंग अ वीडियो, इफ आई गेट स्केयर्ड आई विल गिव यू 1,000 रुपीज, सो सेंड मी सम स्कैरी टिकटॉक रील्स और क्लिप्स, कांट वेट टू सी योर गाइस क्लिप्स, आई वांट सम रियल जंप स्केयर वंस, एंड इफ गेट स्केयर्ड यू गेट मनी। तो रचित्रो की न्यू वीडियो कुछ ऐसे होने वाली है कि वो कुछ शॉर्ट्स पर रिएक्ट करेंगे जो कि हॉरर होगी, एंड अगर वो सच में डर जाते हैं तो तुम लोग को वो 1,000 रुपए देंगे। सो यह बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं हिमलैंड्स के बारे में। तो तुमने देखा होगा यार कि हिमलैंड्स में यस इज मॉडिफाइड ड्रीम बॉय एंड एज यू टिडिप, ये 3 लोग के अलावा और जितने भी लोग यार खेलते होंगे या फिर खेलते हैं, वो अपनी आवाज नहीं निकालते, चाहे वो होगा लाला हो, चाहे वो मिस्टर फ्लाजी हो या फिर नोबड़ा जी हो, प्रोफेसर हो, कोई भी अपनी आवाज में बात नहीं करता। एंड हां, हो सकता है यार बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें यही सेम कैरेक्टर्स प्ले करते हो, लाइक ड्रीम बॉय, स्मार्टीपाई या फिर एज यू टिडिप, एंड लेकिन और भी कुछ नए यार मेंबर्स होंगे ही जो कि खेलते होंगे हिमलैंड्स में। तो क्या हिमलैंड्स के और मेंबर्स की वॉइस रिवील होने वाली है बहुत ही जल्दी? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ऑल्सो इसी रिलेटेड बात करते हुए एज यू टिडिप अपनी जो उनकी लेटेस्ट वाली वीडियो आई थी हिमलैंड्स की, उसे में यार बात करते हैं कि हमें क्या वॉइस रिवील देखने को मिलेगी इन कैरेक्टर्स की, एंड वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिलेटेड, देखो तुम लोग। क्या बोल रहे हो, तूने मारा था कभी? यहाँ पे चिल्ला तो रहे थे कुत्तों की तरह तुम लोग की, भाई ये क्या करके, इनका आवाज ना सुनाई देना चाहिए यार, इनको यार पिटीशन फाइल करो यार कि हम लोगों को सब कैरेक्टर्स के आवाज चाहिए, फिर ही मजा आएगा भाई। ये फलाना भी बोलेगा फिर ऐसे कच्चा कच्चा, ये बहुत अच्छा बोलता है यार, बोल के दिखा थोड़ा सा, बोल के दिखा भाई। ये भाई ये एक गाली देता है। नेक्स्ट न्यूज़ भी हिमलैंड्स रिलेटेड है, तो हिमलैंड्स का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया है। अब ये चीज तुम्हीं लोगों में से यार काफी सारे लोगों ने मुझे न्यूज़ सबमिशन में बताई कि यस इज मॉडिफाई का है जो हिमलैंड्स का न्यू वीडियो आया है उसमें काफी बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया। तो मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो गलती से यार स्मार्टीपाई ने खेलते हुए अपने कंप्यूटर का टैब बटन दबा दिया था, जिसके वजह से जो लोग भी यार हिमलैंड्स में खेल रहे थे उनका नेम रिवील हो गया। लाइक तुम लोग इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम बॉय, एज यू टिडिप, सृजन एंड यस स्मार्टीपाई। एंड इस वाले क्लिप में जो यार प्रोफेसर का रोल था वो एज यू टिडिप कर रहे थे, एंड वो जो जीरो ब्राइन आया है ड्रीम बॉय के साथ में उसका रोल सृजन कर रहे थे। सृजन जो है यार वो इन्हीं लोग के दोस्त हैं, तो ये चीज रिवील हो गई एंड कम ही लोगों ने यार इसे नोटिस कर पाया था, बिकॉज वो यार 1 सेकंड से भी कम टाइम पे स्क्रीन पे आया था। तो तुमने यार ये चीज नोटिस करी थी या फिर नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सुपर, तो अपनी लास्ट न्यूज़ सेगमेंट की तरफ, जो कि है यूनिवर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले एपिक डेपिक की नई वीडियो वॉच की है, अंशु बिस की नई वीडियो वॉच की है, बीस्ट वॉशअप की नई वीडियो वॉच की है, खतरनाक किसान की नई वीडियो वॉच की है, एज वे ट्यूनिप की नई वीडियो वॉच की है, इसके बाद में टेक्नो गेमर्स की नई वीडियो वॉच की है, यस स्मार्ट पाई की नई वीडियो वॉच की है। तो सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ देखेंगे, जब भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट में बता दूंगा। न्यूज़ सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज़ सबमिट करना, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।